नगर प्रभाग अंतर्गत आने वाले विनायक नगर में रहने वाले नागरिक बीते कुछ समय से वहां स्थित नाले के पास गिरी हुई दीवार से त्रस्त है और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में अब कांग्रेस नेता गिरीश पांडव ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में नागरिकों को न्याय दिलाकर रहेंगे। मायगी नगर प्रभाग अंतर्गत आने वाले विनायक नगर में बीते कुछ समय से इलाके के नागरिक अनेक समस्याओं से त्रस्त है। इस बीच उनकी मुख्य समस्या है नाले को लगकर जो दीवार गिरी है। वो बीते 8-10 सालों से गिरी इस दीवार के कारण इलाके के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस संदर्भ में उन्होंने कई लोगों से शिकायत की है, लेकिन अब तक इस मसले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब कांग्रेस नेता गिरीश पांडव ने आश्वासन दिया है कि वो इन त्रस्त नागरिकों को न्याय दिलाकर रहेंगे। जल्द से जल्द नाले का काम जल्द से जल्द हो जाएगा, ऐसा करते करते हम सभी नागरिकों को बताया जाता है, लेकिन समय बीत गया है, कोरोना काल भी बीत गया है, तो अभी फिलहाल इस बात को 2 साल हो चुके हैं, अब तक नाले की दीवार नहीं बनी और लोगों की जो समस्या है वो भी दूर नहीं हुई। तो हमको हम बार बार नगर सेवक के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी समस्या सॉल्व कीजिए, लेकिन हमको उनके तरफ से यही आंसर मिलता है कि फंड आ जाएगा, फाइल दे दी है, फाइल आयुक्तालय ऑफिस में है, फाइल जो है आगे हमने पहुंचा दी है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमने 2-4 बार हमने और जाके उनको पूछताछ की तो बोल रहे हैं कि आयुक्तालय साहब को कोरोना हो चुका है, तुकाराम मुंडे साहब ने कोरोना काल में निधि रुका के रखी थी। इस एरिया में बहुत सी समस्या यहाँ के नागरिकों ने बताया है, विशेष तौर पर ये सोसाइटी को लगी हुई जो नदी नाला गया हुआ है, वो नाले की दीवार कई सालों से यहाँ पर गिरी हुई है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये दीवार कम से कम 8-10 साल से गिरी है। इन्होंने स्थानीय आमदार हो, नगर सेवक, उनको बताने के बावजूद भी काम हुआ नहीं है, इसलिए इन्होंने आज मुझे कांग्रेस को उम्मीदवार ये नाते से यहाँ पर बुलाया है। मैं भी बताना चाहता हूँ कि आज महाविकास आघाड़ी सरकार हमारी सरकार है, किसी भी प्रकार का फंड का कमी न जाते हुए नागपुर सुधार 50 हो या DPDC का फंड हो, इस माध्यम से ये नाली की दीवार निश्चित तौर पर हमारे ओर से बनाई जाएंगी, ये मैं इस बस्ती के लोगों को आश्वासन देता हूँ। और यहाँ के रास्ते की भी समस्या यहाँ बताया गया है, बिजली की समस्या बताई गई है, पानी की समस्या यहाँ पर है। ये सभी समस्या जो है पिछले महानगर पालिका के अंदर में पिछले 15-20 साल से BJP की सरकार रहने के बावजूद जो मूलभूत सुविधा जो देना चाहिए, पानी हो, बिजली हो, गटर लाइन की समस्या जो है इन्होंने छुड़ाना चाहिए थे, ऐसे BJP सरकार ने नहीं छुड़ाया। नागरिकों ने इस दौरान मांग की कि जल्द से जल्द नाले के पास की दीवार ठीक की जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।